अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सब खुशी के मौके पर और अपने त्योहारों पर बहुत ज़्यादा चटपटे खाने खाते हैं। घर में दावतें हों तो बहुत मज़े के और फ्राई खाने तैयार किए जाते हैं। कुछ लोगों का निज़ाम हाजमा मजबूत होता है और वो हैवी और फ्राई खाने खाकर हजम कर लेते हैं, लेकिन आजकल अक्सर लोग बदहजमी, तेजाबियत और गैस की शिकायत करते नज़र आते हैं। इसकी वजह बहुत ज़्यादा बेहतियाती से खाना और उसके बाद वॉक ना करना है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में मिलावट भी बहुत आम हो चुकी है, जिसकी वजह से भी अक्सर लोग मैदा ख़राब होने की शिकायत करते नज़र आते हैं। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार के वक़्त पकौड़े, नगर्स, समोसे वगैरह रोज़ाना खाए जाते हैं। अगर आप इन सब को मैदा ख़राब होने की वजह से नहीं खा सकते या खाने के बाद मैदे के मसाइल से परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक देखें ताकि आपको अपने मसले का हल मिल जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज मैं आपको एक बेहतरीन कम्बिनेशन बताने जा रही हूं, जो आपकी बदहजमी, तेजाबियत, गैस और सीने की जलन को ठीक करेगा, और लगातार इस्तेमाल करने से आप इससे मुस्तकिल तौर पर आराम पा लेंगे। और एंड पर मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी। इसकी पहली मेडिसिन पल्सरटीला 30 है। पल्सरटीला बदहजमी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्राई चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। खाना खाने के बाद खाने की डकारें और खाने का जायका देर तक आता रहता है। मुर्गन और हैवी खाने खाने के बाद मतली महसूस होती है। खाने के बाद अफारा और दर्द होता है। ख़ास तौर पर पराठे और तली चीज़ें खाने के बाद मैदे में पत्थर की तरह का बोझ महसूस होता है और ईंठन की तरह दर्द होते हैं। खुराक की नाली में जलन होती है, जिसे मरीज कलेजा जलने का नाम देता है। पूरे पेट में गैस घूमती महसूस होती है, लेकिन गैस खारिज होने से आराम नहीं आता। फ्रेंड्स, मैदे के मसाइल पर बनी मेरी एक और वीडियो R5 जर्मन होम्योपैथिक मेडिसन फॉर स्टमिक पेन का लिंक आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसन कार्बोवेज 30 है। कार्बोवेज बदहजमी और गैस की ज्यादती की बहुत शानदार मेडिसन है। मरीज का मैदा इतना ख़राब हो गया होता है कि सादा से सादा खुराक भी उसे हजम नहीं होती। मैदे में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, जिसकी वजह से डकारें आती रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा बदबूदार होती हैं। मरीज को मैदे और सीने में जलन होती है, गैस ऊपर की तरफ दबाव डालती है और मरीज इस तरह फील करता है जिस तरह उसको दिल की तकलीफ शुरू होने लगी है। कई लोग इसे दिल की बीमारी समझकर इमरजेंसी में जाते हैं, लेकिन असल में ये गैस की ज्यादती होती है जो दिल पर बोझ डालती है। मरीज को तमाम खुराक खाई हुई गैस में तब्दील होती लगती है। वो हर वक्त गैस खारिज करता रहता है और इससे उसे कुछ आराम मिलता है। खुराक बहुत देर के बाद हजम होती है। पल्सरटीला की तरह कार्बोवज के मरीज को भी फ्राई और मुर्गन खानों से तकलीफ होती है। मैदे और सीने में जलन होती है। कई दफ़ा ये जलन कमर और कंधों तक फैल जाती है। कार्बोवज इन तमाम तकलीफ़ों को ठीक कर देती है। अगर आप खट्टे बदबूदार डिकारों से परेशान हैं, तो मेरी वीडियो होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर बेल्चिंग का लिंक आप ऊपर कार्ड में देख कर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कम्बिनेशन की अगली बेहतरीन मेडिसिन नक्सोअमीका है। नक्सोअमीका होम्योपैथिक में मैदे के मसाइल के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डालती है, मुंह से लेकर रेक्टम तक की सिम्टम्स को ठीक करती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मसालेदार और हैवी खाने खाते हैं और फिर बैठे रहते हैं, उनकी खास मेडिसिन है। जिन लोगों का काम हर वक्त बैठ कर करने वाला होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ का उन्हें टाइम नहीं मिलता, वो इस मेडिसिन से ख़ास तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। सिगरेट नोशी की वजह से ख़राब हाजमे को भी ठीक करती है। खाने के घंटे दो घंटे बाद मैदे में दर्द, बोझ और बदहजमी का एहसास होता है। और इन सब के साथ एक खसूसी सिम्टम पखाने की बार बार नामुकम्मल हाजत है, यानी अगर कब्ज़ है या लूज मोशन आ रहे हैं तो मरीज़ को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। एक बार जाने से उसका मैदा साफ नहीं होता, गैस के साथ लूज मोशन बार बार आते रहते हैं। मैदे में दर्द के साथ सेंसिटिविटी होती है, मैदे को दबाने से दर्द होता है। अगर आप काफ़ी अरसे से कॉन्स्टिपेशन की वजह से परेशान हैं, तो ऊपर कार्ड में मेरी वीडियो कब्ज का फौरी इलाज देखकर अपने लिए अच्छी मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ये तीनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में लेनी है। इन तीनों का 5-5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले या बाद में पी लें। तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो तो एक गिलास पानी में तीनों मेडिसिन के 15-15 ड्रॉप्स डालकर उसे ढक दें और आधे आधे घंटे के वक्फे से 4 या 5 खुराकें लें। आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस करेंगे। अगर आपका मैदा काफ़ी अरसे से ख़राब रहता है, तो इस कम्बिनेशन को 1.5 से 2 माह तक लगातार इस्तेमाल करें।
आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। कुछ टिप्स आप अपनी रूटीन में शामिल रखेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। खाना खाने से पहले पानी पिएं और खाने के दौरान बिल्कुल पानी ना पिएं। खाने के साथ पुदीने की चटनी ज़रूर इस्तेमाल करें। दही जीरे वाला रायते के तौर पर या वैसे ही अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर मैदा ज़्यादा ख़राब है तो पुदीने को पानी में उबाल कर और छान कर उसका पानी बार बार पीते रहें। खाना खाने के 2 घंटे बाद तक लेटना नहीं है और वॉक करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको अपने मैदे के मसाइल से छुटकारा पाने के लिए अच्छी मेडिसिन बताऊँ। अगर आपको वीडियो से मदद मिले तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।